જે ગટલામાં ચડાવું છું મોટે મોટે ગટલા ઓ વિડીયો છે અત્ર મોટે મોટે પોલીસ નો ખબર મેલે તે અત્ર મોટે મોટે ગટલા માં ચડા નાખો શા બહાર ઘર માટી છે નિર્તન કાય સઈકલે ફરે આળા મન કે બના દિયા બેટા એ બંજારા હૈ વો ચાલ લે સર અબ તુમ્હારે સિટી કે જો રહેતા ના હમકો નહીં પહેચાન સકતે એસા વો બાત સે બોલ રહા એસા સહી હૈ ના સહી હૈ હા होता है ना ऐसा भी होता है भाई बोल रहा हूँ हमारे तरफ जो प्यार मोहब्बत है जिंदा है देखो ना आप मेल भाव हम मुसलमान हैं इन्हों गोरमाटी है लेकिन हमें कोई पहचानता नहीं यहाँ पे पैसा मिलजुल के रहते हैं फिर बाद में से इनका हार्डवर्क हम वहाँ जाके देखते इन्हों कैसा रहते हैं सामने ऐसा मंडवा ज़बरदस्त पीछे छोटा सा घर तुम देखे कि नहीं जा रहे ना एक तुम्हारे तरफ देखे तो तुम्हारे आदिवासी एरिया दिखता आदिवासी एरिया नहीं है डेवलपमेंट है लेकिन रहते हम उतना ही सिंपल तुम्हारा देखे किला 25 एकड़ जमीन वाला मालिक है लेकिन सामने झोपड़ी पीछे छोटा सा घर हमारे पास 3 एकड़ वाला है 3 मंजिल की बिल्डिंग बना लिया उन्होंने उनके पास 25 एकड़ का मालिक है लेकिन पीछे छोटा कवेली का घर सामने मंडवा ऐसा वो कल्चर है हमारा है कि नहीं बड़े बड़े लोग मतलब छोटे घर में रहो हमारे पसंद है हमारे तरफ के लोगों को पसंद है घर यूट्यूब पे भी रहते ना आपका यूट्यूब पे भी हाँ बहुत बार देखे हैं देख लिया देखो ऐसा एक से निकलता मालूम हो जाता अंकल के पीछे थे ना वो गोरमाटी भी बोले जा रहे थे बेटा आओ चाय पिलाया सब हमारे बाबा गोरमाटी थे बाजू बात करते भी नहीं थे हमें पी दो नहीं अंकल पिलाना कहते थे गोरमाटी तो पड़ी पड़ रहा सही बोल रहा बात है सारो एरिया हमारे कहीं गोरमाटी मार्केट छ 25-25 स्टैंडो चाहिए मंडल है कुबीर मंडल है 5 सिरपली 5 डोडरना 5 रंजनी 5 तो दी तीन पल भाई साहब सुने होंगे ना नाम भाई साहब भाई से को भी यहाँ के लोग तक नहीं निकलेगा और ये हमारा गाँव धनवान है गाँव ये धनवान कुबेरुड़ इसके माने धनवंतुड़ शिवुड़ वेंकटेश्वरुड़ की अपू इच्छिनोड़ ये इस गाँव के माने धनवान हमारा कल्चर घणो आछो कल्चर छा करो वा ये सारो मार्केट गोरमाटी का मार्केट का धंधा पूरा गोरमाटी का पूरा धंधा है कि नहीं मार्केट ही गोरमाटी है धंधा वो गोरमाटी का पूरा अरे मार्केट जी ये क्या है उसका क्या बोलेंगे अरे वो यूट्यूब पे उनको भी मालूम हो जाता कि मुसलमान गोरमाटी मिल के है बोले ये ना हां कर्नाटक से निकला 6 महीने हो गए उसको हम इधर में थे तुम्हारा ये देखे फोटो पोर्ट 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 अच्छा इधर पोर्ट सुल्तान शाह पेट्रोल पैसा कहां चला इसलिए सही गिनते जाएगा पूरा उस पे तो कसरा में जब गया था तो मुझे ये बात पता चली तो मैं यहाँ पर फिर से आ गया हूँ अभी दोड़राना तांडा भी मुझे जाना है इस तरफ घूमना है और भैया से मिले काफ़ी अच्छा लगा और ये भैया ने दिया है अभी पी लो बेटा करके टोटल कितना तांडा दिया था 40 नहीं थैंक यू भैया हाँ भैया 90% समझा 90% मार व्यवस्था भेजा 10% वे नहीं जना वे नहीं जना मन काल कर 10% अत्यार की रोगती मैं प्रेजेंट वोडी में कति भिंडो तो ये कहता तांडा रे नहीं खाई रे नहीं वो उस मूवमेंट में व्यवस्था है नहीं तांडा तो हमेशा व्यवस्था है अच्छा 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 दोस्तों तेलंगाना के पास में कुबीर मंडल करके एक मंडल आता है तेलंगाना में और उस मंडल में स्पेशली कुबीर मंडल में काफ़ी सारे तांडाज हैं मैंने वहाँ के लोगों से जाकर पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि जो कुबीर मंडल के आसपास जितने भी एरियाज हैं मतलब वहाँ बंजारों का एरिया है सारे के सारे वहाँ पर गोरमाटीज रहते हैं और फिर स्पेशली जो कुबीर मंडल है वो काफ़ी बड़ा सिटी है लेकिन उस सिटी में ज़्यादातर मैं बोल सकता हूँ कि बाकी समाज के लोग रहते हैं लेकिन बावजूद इसके वहाँ के जितने भी लोग हैं जो कुबीर में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे गोरबोली बोलते हैं सारे के सारे बंजारा भाषा बोलते हैं और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ पर भी वीडियो बना देते हैं करके और इसलिए मैंने वीडियो बना दिया तो ये एक ऐसा मंडल था जहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि जहाँ पर कोर लोग बाकी सारे समाज के लोग गोर बोली बोलते हैं तो ये
बहुत बढ़िया बात थी मेरे लिए और आप सबके लिए भी। तो बस इसीलिए ये वीडियो बना दिया छोटा सा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय और जय सेवालाल।